सो सीबीएसई 10th क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको इस बार दो पेपर्स मिले लाइट के लिए, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। तो आज हम रिफ्लेक्शन वाला जो पेपर था उसको सॉल्व करेंगे। देखो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पर कुछ बोर्ड के पेपर्स भी बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। बाकी ये जयपुर के स्कूल्स हैं, जो DPS MPS ये सब स्कूल्स जो हैं, ये जयपुर के कुछ स्कूल्स हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर जिस तरह के इमेज बनाता है वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो आप नेचर ऑफ इमेज में सबसे पहली बात तो कहते हो कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलने से ही आपका काम तो ख़त्म हो गया कि भाई वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन साथ में बाकी प्रॉपर्टीज़ उसके हैं ना, वो भी लिख देना चाहिए नॉर्मली। तो वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज़ ये भी ऐड कर दो, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, ये भी लिख दो, और साथ में लिटरली इन्वर्टेड भी लिख दो, ठीक है ना। वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट एंड लेटरली इन्वर्टेड, ये बातें लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सारी बातें मतलब ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। राइट डाउन द मिरर फार्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ मिरर। अभी डिस्टेंसेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस होता है एफ यू एंड वी। हाँ, एफ इज़ फोकल लेंथ, V is image distance from the pole and U is object distance from the pole. तो ये formula बनता है 1 upon F = 1 upon V + 1 upon U, है ना, mirror formula हम इसको कहते हैं। Complete the path of ray after reflection from the mirror. A ray is coming parallel to principal axis. Then इट विल क्रॉस F, ये F में से होकर के निकल जाएगी लाइक दिस। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव रेज यू यूज टू फॉर्म द रे डायग्राम इन वेरियस केसेस यू आर गिवन, केसेस आर गिवन टू यू। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर विदाउट टचिंग दैम, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। देखो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही वर्चुअल इमेजेस बना सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेजेस ही बनाता है, कॉन्केव मिरर भी अपने 6 डिफरेंट केसेस में से एक केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी वर्चुअल इमेज बनाता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर रेस्पेक्टिवली। हम देखते हैं कि इफ़ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम एनी वेयर वी कैन सी दैट वी आर वी कैन सी आर इमेज इन साइड द कॉन्वेक्स मिरर एंड द इमेज इज डिमिनिश्ड, राइट। बट इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर यू विल हैव टू गो वेरी क्लोज टू वॉच योर सेल्फ इन साइड द मिरर, दैट मीन्स योर वर्चुअल इमेज कैन फॉर्म ओनली वैन यू आर स्टैंडिंग बिटवीन द एफ एंड पी, एंड वैन यू आर स्टैंडिंग बिटवीन द एफ एंड पी देन योर इमेज विल बी इनलार्ज्ड बिहाइंड द मिरर और इन साइड द मिरर। सो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड by a concave mirror is always enlarged, that is why you can see yourself in front of it when you are placed between F and P in front of a concave mirror, you can see your enlarged image, virtual erect and enlarged image. But when at the same distance in front of the convex mirror you will stand in front of a convex mirror, you will see your image, that is virtual erect and diminished. That is the difference, and you can definitely differentiate between these two mirrors without touching their surfaces. Okay, question number 5. Explain the type of mirror used in following situations and also support your answer with ray diagrams. So, solar furnace ke liye you are going to use a concave mirror which is a converging mirror. To hum batayenge ki it focuses द रेस कमिंग फ्रॉम सन, सोलर मतलब सन से आने वाली रेस को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करने वाला ही सोलर फर्नेस में काम आएगा। सो हमको विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम से बताना था, अगर आपने रे डायग्राम नहीं बनाया तो यू विल नॉट गेट मार्क्स, राइट। एंड
इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स, आप वो कहते हैं कि ऑल्सो सपोर्ट योर आंसर विद रे डायग्राम. तो सोलर फर्नेस में आप लिखोगे कॉनकेव मिरर. रीजन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट द रेज कमिंग फ्रॉम द सन दे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर विच कन्वर्जेस दीज रेज, ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टू दिस पॉइंट एफ, राइट. सो दिस इज वन. देन साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, साइड मिरर या रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, उसमें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज. पहली बात तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर. क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, उसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, यानी इनसाइड द मिरर. एंड इट ऑल्सो गिव्स अ वाइडर व्यू, अ पेनोरमिक व्यू, बिकॉज इट इज़ कर्व्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ कर्व्ड है. तो ये पेनोरमिक व्यू देता है हमको, एक ज़्यादा बड़ा एरिया कवर करके देता है. इसलिए रियर व्यू मिरर हमारे व्हीकल्स का यही बनाया जाता है, क्योंकि रियर व्यू मिरर यही हमारा एक्सपेक्टेशन उससे यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट पीछे है ना सिर्फ वो पूरा का पूरा दिखे, बल्कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी पूरी दिखें. इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, सो यू वांट ऑल द व्हीकल्स कमिंग बिहाइंड एंड ऑल द सराउंडिंग्स आल्सो, इंक्लूडिंग द डिवाइडर एंड द रोड. सो दिस इज़ द बेस्ट मिरर टू बी यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल. अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखें. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्नीफिकेशन माइनस वन. मैग्नीफिकेशन माइनस वन देखते ही आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, मैग्नीफिकेशन माइनस वन में दो टर्म्स हैं, एक है माइनस, तो माइनस का मतलब तो होता है रियल एंड इन्वर्टेड. ये तो उन्होंने वैसे भी कह दिया, यदि वो रियल एंड इन्वर्टेड ना भी बोलते तो हमें समझ में आ जाता मैग्नीफिकेशन माइनस वन से कि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है. एंड वन का मतलब है सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज. तो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ मिरर रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्नीफिकेशन माइनस वन, यानी सेम साइज. इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस. इमेज 40 से, अब देखो कॉनकेव का केस है, आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए. इमीजिएटली यू शुड हैव अ डायग्राम इन योर माइंड दैट सेम साइज रियल इन्वर्टेड इमेज इज प्लेस्ड ओनली एट द वन प्लेस एट सी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी सी पर रखा है, इमेज जो है वो भी सी पर है, और ये कह रहे हैं कि सी जो है वो 40 सेंटीमीटर है. तो F और P का डिस्टेंस भी इसका हाफ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं. तो दिस इज़ द सिचुएशन. इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, वेयर वुड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर. हाँ, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट द U इज माइनस 40 सेंटीमीटर. वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर. नाउ अगर उस C से ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है, C इधर है, F इधर है, P इट इज़ प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर यानी एट C व्हेन द सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड. नाउ दे आर सेइंग दैट इस ऑब्जेक्ट को हम उठा करके वहाँ पे रख देते हैं. हाँ, ऑब्जेक्ट को हमने पिक किया और इसको पकड़ के F पे रख दिया, तो इमेज कहाँ चली जाएगी? ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हाँ, नई तरह का डायग्राम बनता है. व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर, सो दे विल रीच टू इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर. हमने इससे देखा कैसे 20 सेंटीमीटर आगे भेजते हैं. स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजिशन. ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वो नई पोजिशन के लिए था, टू जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, तो ये आपका आंसर इस तरह से मिल जाता है. आप इसको बिना कैलकुलेशन किए इस तरह से थ्योरी की तरह से भी कर सकते हो.
इन केस यू वांट कि आपको ये एफ़ भी निकालना है, अगर इसमें ये कहा जाता है एफ़ भी निकालना है, तो आपके लिए वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू फार्मूला लग जाता। वन अपॉन वी की जगह हम -40 लिखते, प्लस -40, दोनों -40, -40 तो उसको यहाँ पे माइनस कर दो ब्रैकेट ओपन करके, 40 और ये -1 -1 यानी -2 अपॉन 40, तो ये 1 अपॉन -20 यानी एफ -20 सेंटीमीटर ही आ रहा है। ये हमने कैलकुलेट वैसे भी कर लिया था, मैग्नीफिकेशन 1 है। हाँ, तो एच डैश और एच भी बराबर होगा और वी और यू भी बराबर होगा, तभी मैग्नीफिकेशन 1 हो सकता है। इफ़ द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वॉट टाइप ऑफ मिरर इज इट? तो ऐसे कंडीशन में ये बात हो रही है, मिरर इज़ कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर में फॉर ऑल द पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसे आप कहीं भी रख लो, ये इनके बीच में ही इमेज बनने वाली है। तो ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, यही रे डायग्राम बनेगा जो हमने अभी बनाया था। वेयर एंड व्हाई डू वी जनरली यूज़ दिस टाइप ऑफ मिरर? वी यूज़ दिस मिरर एज रियर व्यू मिरर फॉर व्हीकल्स, एज अ सिक्योरिटी मिरर इन मॉल्स, इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इन एज अ सिक्योरिटी मिरर और एज अ सिक्योरिटी मिरर एट रोड इंटरसेक्शंस, जहाँ पर आमने सामने से व्हीकल्स आ जाते हैं। हाँ, जो कि एकदम सडन टर्न्स होते हैं जहाँ पर, वो सब जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मिरर? अब वो कह रहा है रियल इमेज, तो नेचर ऑफ मिरर तो कॉनकेव हो गया, क्योंकि रियल इमेज कॉनकेव मिरर ही बना सकता है और कोई मिरर बना ही नहीं सकता। इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है हमको, मैग्नीफिकेशन दे रखा है 1/5, मतलब रियल इमेज है तो माइनस, और 1/5 को आप 0.2 बोल सकते हो, है ना, 1/5 इज़ 0.2, तो मैग्नीफिकेशन गिवन है -0.2 एंड रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस, यानी वी दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पता करनी है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि आपके पास में यू क्योंकि नहीं है और एफ़ निकालना है तो आपको यू चाहिए, तो आप सबसे पहले यू निकालोगे ऐसा बोल के कि एम इक्वल टू -V/U, माइनस -18 U। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारे पास है, मैग्नीफिकेशन की जगह पे हम -0.2 लिख सकते हैं, है ना, या -1/5 भी लिख सकते हो। आपको अगर लगता है कि नहीं ये 0.2 अच्छा नहीं लग रहा, तो आप ऐसे लिख लो, -1/5 लिख लो, जो गिवन है वो लिख लो। तो इस यू को हम इधर ले लेते हैं और ये देखो माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं पहले, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसको अपन प्लस कर लेते हैं इधर। और ये माइनस है, ये उधर जाके लगेगा, ये 5 जो है ये ऊपर जाके -5 हो जाएगा। ये यू को उठा के यहाँ रख लेते हैं, है ना, इस यू को पकड़ो और यहाँ रख लो, है ना। तो ये हमारा यू इक्वल टू -18 × 5, दैट इज -90 सेंटीमीटर। यू कभी भी प्लस में आ भी नहीं सकता, वैसे भी -90 सेंटीमीटर यू आ गया। तो एफ निकाल दो, 1/f = 1/v + 1/u, ये फॉर्मूला है। वेयर वी इज ऑलरेडी गिवन -18 + -90,
इसको माइनस ही कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके, माइनस 18, माइनस 90, 90, माइनस 5, माइनस 1, माइनस 6 अपॉन 90 हुआ, तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना। माइनस 15 इज द फोकल लेंथ, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, मतलब 15 और 30 के बीच में बन रही है, मतलब एफ और सी के बीच में बन रही है, एफ और सी के बीच में इमेज बनती है तभी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। 0.2 मैग्नीफिकेशन का मतलब यह है कि डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, माइनस मैग्नीफिकेशन का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड सारी कंडीशन इस आंसर से आपकी फुलफिल हो गई, आंसर हमारा सही है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड ए रियल एंड बी अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कन्वर्जिंग मिरर, मार्क द पोजिशंस ऑफ पी एफ एंड सी इन ईच डायग्राम। तो देखो, हमारे क्वेश्चन में कभी भी ऐसा एम लिखा हुआ देखे तो आप समझ लें कि स्कूल में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसको मॉडिफाई किया गया है। तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था इन द ईयर 1920, तो उस समय इसको लेंस के कंटेक्स्ट में पूछा गया था, हमने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया मिरर के लिए। हाँ, दैट वैसे ये बात कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं बता दूँ आपको। तो ये एफ है, ये सी है, ये पी है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बनती है, तो ऑब्जेक्ट को होना चाहिए बिटवीन सी एंड एफ। इसका रे डायग्राम हमें बनाना है। हाँ, वी नीड टू शो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर दें। इसको थोड़ा सा, तो आपको दिख रहा है कि ये मैग्नीफाइड इमेज है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। मे बी हमने कोई स्केलिंग नहीं की है, लेकिन दिस इज़ पॉसिबल। और दूसरा जो है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज अगर बनाना है, सी एफ पी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसे जाएगा, बैकवर्ड प्रोजेक्शन करो, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन वाले पेपर का सॉल्यूशन था। कल की क्लास में रिफ्रैक्शन वाला जो दूसरा पेपर था, जो आपने 5 PM वाले टाइम पर सॉल्व किया था, उसका सॉल्यूशन हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।